हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊं कि आप जो व्हाट्सअप स्टेटस है ना, उसको व्हाट्सअप स्टेटस से ही फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो। ठीक है, सिंपल से आपको क्या करना है, ये तीन डॉट का बटन है ना, इसके ऊपर आपको चला जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाने के बाद है ना, ये तीन डॉट के बटन के ऊपर आपको वापस से चला जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किसको आपको भेजना है करके वो स्टेटस। तो सिंपल से ये एक मेरा फ्रेंड है, बाकी तो आप जितने को चाहे उतने को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मिनिमम पाँच लोगों को एक साथ में आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेंड कर दूंगा डायरेक्ट व्हाट्सअप स्टेटस से ही, मतलब मैंने उसको सेंड कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद है ना व्हाट्सअप स्टेटस के बाद है ना, वापस से तीन डॉट के बटन के ऊपर अगर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे शेयर्स का भी ऑप्शन आता है। और शेयर्स के ऑप्शन में क्या फ़र्क है पता है, फॉरवर्ड में क्या होता है कि आप व्हाट्सअप जो व्हाट्सअप है ना उसको ही आप भेज सकते हो, लेकिन शेयर्स में क्या होगा पता है क्या, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किन किन, मतलब कौन कौन सी वेबसाइट के ऊपर आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे देखिए, मुझे व्हाट्सअप बिजनेस व्हाट्सअप, फिर उसके बाद पिक्सा लैब में अगर मेरे को एडिटिंग वगैरह करने का होगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जीपे वगैरह, फिर उसके बाद ईमेल वगैरह, जीमेल में भी आप डाल सकते हो या ड्राइव में भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, यहाँ से एडिटिंग वगैरह सॉफ्टवेयर में भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद यहाँ पे देखिए वो ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह में भी आप शेयर कर सकते हो ये सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इधर पर ऑप्शन दे दिया जाता है। उसके बाद वापस से अब मैं तीन डॉट के बटन के ऊपर जाऊँगा तो डायरेक्टली ये क्या बोल रहा है, आपका जो स्टेटस है ना फेसबुक में भी आप डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हो। तो सिंपल सा शेयर टू फेसबुक के ऊपर मैं चला जाऊंगा तो यहाँ पे ये बता रहा है, ये डायरेक्टली मेरी स्टोरी के ऊपर ही वो करेगा। यहाँ से शेयर नाउ कर दूंगा तो डायरेक्ट वो मेरी स्टोरी के ऊपर लेके चला जाएगा और वहाँ पे वो शेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर नहीं करना है, मुझे अभी नहीं करना है, मैं खाली आपको बताने, वीडियो बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा कि गो बैक टू व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा पता है क्या, तीन डॉट के बटन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से आप अपने स्टेटस अगर डिलीट मारना चाहते हो तो सिंपल सा यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों स्टेटस की फॉरवर्ड करने की जो सेटिंग्स वगैरह है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव रहा, तो आपके काम का रहा, तो सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।